तो ये गलती मैंने किया था, मैंने सी एस ई आई टी तो रखा था लेकिन दूसरे ब्रांच को भी ले लिया, तो इसमें ये हुआ कि जो टॉप कॉलेजेस के मैं रखा था दूसरे ब्रांच को, फॉर एग्जांपल सिविल हो गया, हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, टुडे वाचिंग ऑलवेज राहुल। तो गाइज अभी मैं छत पे आके मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग क्यों ना बनाया जाए, बहुत लंबे टाइम हो गया मैंने कोई ब्लॉग बनाया है। और ये चश्मा मैंने कुछ दिन पहले ही हाल ही खरीदा था लेकिन धूप में पहनने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो पहले इस चश्मे को चेंज करते हैं। या नाउ कम्फर्टेबल, अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कैमरा में, नहीं तो इस चश्मे के साथ क्या पता कैसा लुक बन रहा था, नहीं बन रहा था, हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, यू आर द जज। ये चश्मा पहन के धूप में आँखों को राहत मिलता है और बहुत दिन बाद ऐसे धूप निकला है, क्योंकि लगातार 3 दिनों से जो है बहुत ही गंदा बारिश हो रहा था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई वॉन्ट से कि आज आसमान पूरा क्लियर है, आज भी क्लाउड्स है लेकिन आज वो जो लास्ट 2-3 दिन से दिख रहे थे कि काले बादल मंडरा रहे थे, बारिश हो रहे थे दिन भर, वो नहीं है। और मुझे खास करके बारिश बारिश इतना पसंद नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट ये भी है कि जहाँ पे जो वेदर ज़्यादा मिलता है वहाँ के लोगों को वो वेदर पसंद नहीं रहता है। सो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, इसके वजह से मेरे को बारिश पसंद नहीं है। सो अभी ये सब बारिश वारिश रखते हैं साइड में, वेदर रिपोर्ट रखते हैं साइड में, अभी आते हैं एक सीरियस टॉपिक। सो गाइज कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा बात डिस्कस किया था लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं किया था और कंप्लीट नहीं किया था उस टॉपिक को। बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये हुआ था कि अभी जैसे कि WBJ का काउंसलिंग चल रहा है, मैंने चॉइस फिलिंग के दौरान एक गलती कर दिया था। मैं कैमरा में ये चीज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा चीज़ है जो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो गलती हो जाए आपसे। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे रैंक ला रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर आपने काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ी किया जो कि नहीं करना चाहिए था, आपका रैंक पूरा वेस्ट हो गया। सो वही सेम चीज़ मैंने भी फेस किया, लेकिन लकीली इस साल से WBJ काउंसलिंग में तीसरे राउंड में रीचॉइस फिलिंग हो रहा है, तो फ्यूचर जब भी आप काउंसलिंग करवाओगे तो ये गलती मत करना। सबसे पहले यार नीचे चलते हैं, यहाँ पे धूप में मेरे को बात करने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ओके गाइस, नाउ आई थिंक फ्रेम अच्छे से सेट हो गया है। आपको हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना है जब आप काउंसलिंग कर रहे हो कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल और आपने डिसाइड किया है कि मैं CSE का कोई भी स्पेशलाइजेशन हो गया, या CSE लेना है या IT लेना है, आपने ये चीज डिसाइड कर लिया है। और दूसरी चीज ये करना है कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, चाहे आपका रैंक 40,000 हो चाहे आपका रैंक 30,000, आपको CSE IT के अलावा कुछ लेना ही नहीं है। नो मैटर कि वो कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज हो, फॉर एग्जाम्पल आपने टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखा, उसके बाद जब आपने आपका बारी आया कि आप प्राइवेट कॉलेजेस को रखोगे, फॉर एग्जाम्पल IEM हो गया, हेरिटेज हो गया, सो उस टाइम गलती से भी कोई और ब्रांच मत ले लेना। आपको बस करना यह है कि CSE या IT आपको अगर चाहिए तो उसी में रखे। गलती मैंने किया था कि मैंने CSE IT तो रखा था लेकिन दूसरे ब्रांच को भी ले लिया, तो इसमें यह हुआ कि तो मेरा अटक गया जाके सिविल पे, तो उसके नीचे जितने भी कॉलेजेस थे नेताजी AOT सब कॉलेज डिलीट हो गया। राउंड 2 में आप वो भी नीचे वाले कॉलेजेस काउंसलिंग नहीं होता है, जहां पे आपका अटक जाता है उसके ऊपर वाले कॉलेजेस से काउंसलिंग होता है। और मेरा जितना भी CSE IT वाला ब्रांच था दूसरे कॉलेजेस का, वो सब नीचे था, तो वो मेरा हट गया। तो आपको ये गलती नहीं करना है। तो अगर अटकेगा भी किसी भी कॉलेज में तो जाके वो CSE IT में ही अटकेगा, अगर आप दूसरे ब्रांच नहीं रखोगे। अगर आप ये गलती इस बार कर चुके हो और ये ब्लॉग अभी आप देख रहे हो, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप राउंड 3 का वेट करो। राउंड 3 और 21 तारीख से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का 200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सब कुछ मेरा हो गया जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा रहेगा। गाइज तो यहीं पे ये टॉपिक फिलहाल समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ आपको हेल्प मिल गया रहेगा। और अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को 3 बजे स्कूल जाना है रिजल्ट रिजल्ट कलेक्ट करने, जो फिजिकल मार्कशीट होता है वो कलेक्ट करने जाना है। डिजिटल तो बहुत पहले मिल गया था, अभी 3 बजे जाऊँगा, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी जाने वाला है। सो ये रिंग लाइट गई, भैंस पानी में हो गया है, इसका बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाता है। सो गाइज फिलहाल फट से जाते हैं, नहा के खा के रेडी होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उसके बाद जो मैंने जंप किया है ना इस ब्लॉग में, मैं आपको बता नहीं सकता, कोई आइडिया नहीं था ये ब्लॉग क्या होगा। मैं सोच रहा था कि कल ये ब्लॉग पूरा लंबा खींच के मैं वीडियो एंड कर दूंगा और आज सुबह रवाना हो जाऊंगा कोलकाता के लिए। आज मेरे को कोलकाता जाना था क्योंकि एक इन्विटेशन था हॉलीडे इन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, मैं वो चीज़ अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि कल रात भर बारिश हो रहा था और आज सुबह भी बारिश हो रहा था, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ। इसके वजह से कुछ मेरे पास कहने के लिए है भी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था। कोई बात नहीं, अपना इन फ्यूचर बहुत सारे प्लानिंग्स है, जब वो चीज़ होगा तब एग्जीक्यूट करेंगे चैनल में। सो आई डोंट वांट टू शेयर इट नाउ क्योंकि आपको कभी पता नहीं रहता है कि कल क्या हो जाए आज क्या हो जाए। सो इसलिए मैं बस, मेरे दिमाग में वो प्लान्स चल रहे हैं लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ अभी चैनल में।
सो गाइज, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तब हो रहा था सुबह, मतलब इससे लास्ट वाला जो फ्रेम आपने देखा रहेगा, सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है थोड़ा। सो गाइज, अभी बेसिकली मैं जा रहा हूँ बाहर। आपने बहुत ही कम देखा होगा कि मैं लो लाइट में व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि फ़ोन का कैमरा उतना केपेबल नहीं होता है लो लाइट में। सो आज ट्राई करेंगे कि थोड़ा बोड़ा आर्टिफिशियल लाइटिंग में या लो लाइट में थोड़ा व्लॉग बनाने का, ज़्यादा सा चिल आउट करने, क्योंकि लंबा 4-5 दिन से बारिश हो रहा था, तो इसके वजह से शाम को निकल नहीं पाए थे। मन भी नहीं कर रहा था कि इस टाइम पे एटलीस्ट घर में बैठे रहें, तो चलते हैं। सो अभी रेडी हो चुका हूँ। ये चश्मा मैंने कुछ दिन पहले परचेस किया था, जैसे कि व्लॉग के स्टार्टिंग में आपने देखा रहेगा। सो आज इसको भी देखेंगे पहन के, क्या लग रहा है नहीं लग रहा है। मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, जब मैंने मिरर में चेक किया तो मुझे लगा नहीं कि जच रहा है, लेकिन